दोस्तों कैसे हो। मेरे चैनल क्रॉच एंड क्राफ्ट में आपका स्वागत है। आज जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, ये देखिए, ये मैं फिंगर का लेकर आई हूँ, फिंगर कैप। ये इसमें आप इजीली, ये क्रोशिए के लिए है। आप इसमें ऊन डिवाइड कर करके एक पार्टीशन में सिंगल सिंगल कलर डाल सकते हैं, ये देखिए। और इससे इजीली हाथ चलता है। ये थोड़ी मेरी उंगली पे छोटी है और मैंने ये हाथ से बनाया है क्रोशिए का, ये देखिए, ये मैंने हाथ से बनाया है। तो ये भी आप बहुत, ये बहुत इजीली चल रहा है। तो आप ये देखें इसको बना के, तो आइए इसको शुरू करते हैं बनाना। आज जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, ये लेकर आई हूँ फिंगर हट। ये देखिए मैंने बना भी रखा है। ये वैसे पोनी से मैंने मंगाया है, तो ये मुझे थोड़ा इस तरह से छोटा लग रहा था। ये अडेप्टर है, ये देखिए, इसके अंदर आप इसमें अलग अलग ऊन दे सकते हैं पार्टीशन के लिए। ये देखिए, ये इस तरह से आता है। तो ये थोड़ा मुझे अनकंफर्टेबल लग रहा था क्योंकि ये प्लास्टिक का है, तो मैंने इसको अपना करोशे से ही बनाया क्योंकि इससे गर्मी भी बहुत लग रही थी। ये देखिए, ये मैंने करोशे से बनाया है। ये इस तरह से ही आएगा हमारा। और हम ऊन, इसमें ऊन कैसे डालेंगे वो भी देख लें। आप ये भी मंगा सकते हैं, इसमें भी तीन चार ऊन आ जाएंगी और इसमें भी एक दो तीन चार, चार कलर की ऊन लगे, अलग अलग आप ले सकते हो। आप इसको चाहे धागे से बना लें, चाहे आप ऊन से बना लें। ये मैं ऊन से बना रही हूँ, ये मैं नोट लूंगी। और यहाँ पे मैं देखिए, ये दो से निकालूंगी करोशिए को। और ये मैं यहाँ पे इसको इस तरह से लूंगी और ये मैं यहाँ पे निकाल लूंगी। देखिए, अब ये मेरा ऐसे ही चलता रहेगा। अब ये आपको मैं दिखाती हूँ कैसे बनता है इसको। मैं एक और बना के आपको दिखा रही हूँ। दो नंबर, ये मैं आपको एक नंबर से बना के दिखाती हूँ ताकि थोड़ा टाइट बने। एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह। ये मैं बारह चैन ले रही हूँ और इसका मैं रिंग बना रही हूँ। ये देखिए इस तरह से, ये मेरी, आप देख ले, अगर थोड़ा मोटी फिंगर है तो थोड़ा आप उस हिसाब से। एक दो तीन, तीन ये मैंने चैन ले लिए है। अब ये देखिए, ये हर एक पे मुझे, अब ये देखिए मुझे लपेटना भी नहीं पड़ रहा और मेरा धागा भी अच्छी तरह इजीली आ रहा है। ये देखिए मेरा इजीली धागा आ रहा है, मुझे कोई प्रॉब्लम भी नहीं हो रही। कई बार क्या होता है, धागा लपेटने से भी उंगली में यहाँ पे निशान आ जाते हैं। ये देखिए, ये इस तरह से, और इसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती बनाने में। ये देखिए कि हमें गर्मी लगे या कुछ होए, कोई कोई मतलब नहीं है। ये थोड़ा मुझे अनकंफर्टेबल लगा क्योंकि इससे पसीना बहुत आ रहा था उंगली के अंदर, और ये यहाँ से बंद भी है तो इसमें पसीना आ रहा था, तो इस कारण तो ये मैंने कहा ये तो फिर बेकार है। और फिर जिसकी उंगली मोटी है पतली है बहुत फर्क पड़ेगा। देखिए, ये मैंने 12 चैन लिए हैं तो ये मेरे को ये वाला छोटा पड़ रहा है, तो आप समझ लें ये
उंगली पतली होगी उसी के आएगा। इन्होंने यहाँ पे दे रखा है ये हवा के लिए, लेकिन ये कामयाब नहीं है। है चीज बढ़िया कि एक नई चीज है कि हमारे को 3-4 धागे अलग अलग लेने नहीं पड़ेंगे, एक ही बार लगा लो। ये देखिए, ये इस तरह से, अब यहीं पर ही मैं लाके इसको जोड़ दूंगी। ये देखिए, ये इस तरह से गोल बन गया मेरा। ये देखिए कटोरी सी, अब इसी में मैं 4 लाइन करूंगी। ये 1, 2, 3, ये सेम मैं 4 लाइनें करूंगी। आपको मैं 4 लाइन करके दिखाती हूँ। ये देखिए मेरा हो गया, ये 4 लाइन है। अब मैं इसको यहीं पर ही बंद कर दूंगा। ये देखिए, अब क्या करूंगी मैं, एक लाइन यहाँ पे सिंगल स्टिच कर दूंगी पूरा, ताकि ये हमारा खुले ना। देखिए मैंने इसमें भी कर रखा है, यहाँ पे सिंगल स्टिच कर रखा है। ये देखिए, ये इस तरह से, आप उन मोटी भी ले सकते हैं, पतली भी ले सकते हैं, वो आपके ऊपर है आप कैसा बनाना चाहेंगे इसको। और ये कंफर्टेबल रहता, बहुत लपेटने का झंझट खत्म हो जाता है। अब ये देखिए इसमें कितनी आसानी से मेरी ऊन आ रही है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही इसमें बनाने में। देखिए, हाथ जिसका भी तेज चलता होगा उसके लिए तो बहुत बेस्ट है, उसको बार बार ऊन करनी नहीं पड़ेगी, बल लेना नहीं पड़ेगा। ये देखिए उंगली पर लपेटने का झंझट इसमें खत्म। ये देखिए, ये हो गया। अब मैं यहीं पर इसको कट कर दूंगी। ये मेरा हो गया। अब ये देखिए, मैं दूसरा भी इसी में इस्तेमाल कर सकती हूँ इसको। अब दूसरा कलर मुझे डालना है तो मैं यहाँ पे डाल लूंगी इस तरह से, तीसरा डालना है तो मैं यहाँ डाल लूंगी। ये बहुत काम की चीज है ये, अगर आप क्रोशिया ज्यादा करते हैं, आपको क्रोशिया बहुत करना पसंद है, तो आप ये जरूर बनाइए, ये बहुत काम की चीज है। ये देखिए, ये अब इसी में लगा रहा है तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, खोएगा भी नहीं हमारा। ये देखिए, अब इसको ये मैं ऊपर ले लूंगी सारे, अब इसको धागे को अंदर ले लूंगी। ये देखिए, और यहाँ पे मैं इसको कट कर लूंगा। अब ये देखिए, ये देखिए, ये मेरा आ गया। आप इसको पूरा भी ऐसे भी कर सकते हैं इसको, और आप इसको इधर भी रख सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। और जब भी हमें धागा लेना है, हम इस तरह से डाल के हम निकाल लेंगे। अब ये देखिए, अब आप बताइए आपको ये कैसा लगा है फिंगर कवर। अगर आपको ये पसंद आया है तो ये आप अपने लिए भी बनाइए। तो अब आपको बताइए कि आप मेरे को कि आपको ये कैसा लगा है। अगर आपको ये पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए ये आपको कैसा लगा है। और जो भी मेरे नए दर्शक हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि मैं आने वाली वीडियो में आपको अच्छी अच्छी चीज़ें और बता सकूँ। धन्यवाद।